सबसे बड़ा प्रिडिक्शन मैं राहुल भोज आप लोगों को बताना चाहता हूं फीफा फूज में। तो स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बीबी अदालत लग जाती है घर में, जहां पर फराह खान आती हैं दो सीनियर जर्नलिस्ट के साथ। बीबी अदालत के दौरान दोस्तों फराह खान जो है शार्दुल को घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर देती है। अब ऐसे में उसके बाद आता है एक सैक्रिफाइस का टास्क, जहां पर गार्डन एरिया में एक बहुत बड़ा थ्रोन रखा है और वो एक नर्क का थ्रोन है ऐसा लग रहा है, और उस पर बैठकर एक एक की कुर्बानी मांगी जा रही है। बताना चाहता हूं मैं दोस्तों, इसी कुर्बानी के दौरान रुबीना जो है वो फेल हो जाती है और रुबीना घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाती है। अब यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इस हफ्ते सिर्फ दो लोग घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं, एक है रुबीना दिलाई, दूसरे हैं शार्दुल पंडित। तो दोनों में से कौन जाएगा, मैं आपको अपना प्रेडिक्शन अभी से ही बताना चाहता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये एक दिवाली सप्ताह है, ये भी हो सकता है कि सलमान खान जो है वो ये बात बोल दे कि अरे दिवाली के उपलक्ष पे आप लोगों का जो है इविक्शन नहीं होगा और आप लोग जो है घर से बेघर नहीं होंगे। ये पहला एक पॉसिबिलिटी है दोस्तों, ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटीज पर क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटीज पे सबसे बड़ी ये सामने आ रही है कि हो सकता है कि रुबीना दिलायक को भेज दिया जाए सीक्रेट रूम। जी हाँ दोस्तों, रुबीना दिलायक को भेज दिया जाए सीक्रेट रूम और उसके बाद जाके जो हंगामा होगा वो देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। रुबीना को भेज सकते हैं सीक्रेट रूम जहां पर अभिनव का गेम टेस्ट किया जाएगा, नंबर वन। नंबर टू ये भी हो सकता है कि रुबीना और उसके दोस्तों की सच्चाई सामने आ जाए, मतलब कि जैस्मिन और ये जो बेस्ट फ्रेंड रुबिन बन के घूम रही है वो भी सामने आ सकती है। या फिर दोस्तों जो पीठ पीछे बात करता है, जिस तरीके की प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, या प्लस अपने हस्बैंड के प्रति किस तरीके से वो एक केयर करेंगी आकर, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, आपकी पॉसिबिलिटी क्या है, कमेंट सेक्शन में जाएं मुझे इस बारे में जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज, क्योंकि बिग बॉस बोले तो फीफा फूज।